7840746 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर में 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सत्रह सौ करोड़ रुपए से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों का होगा शिलान्यास। देश के सभी हिस्सों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री का विजन। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 2350 से अधिक मोबाइल टावर जनता को समर्पित किए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी जाएगी। नवनिर्मित 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का भी उद्घाटन होगा। मणिपुर की सबसे बड़ी पीपीपी पहल आविष्कार नवाचार और प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का शिलान्यास भी होगा। प्रधानमंत्री के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 130 करोड़ का शिलान्यास वहां पर किया जाएगा। पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री का विजन। पेयजल आपूर्ति शहरी विकास आवास हथकरघा और कौशल विकास जैसे कई क्षेत्रों को भी लाभ होगा। प्रधानमंत्री त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति। आज से टीकाकरण शुरू हो गया है। इस समूह के लिए केवल कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2007 या इससे पहले हुआ है वे सभी टीका लगवाने के पात्र होंगे। इस वर्ग के लिए कोविड टीके का पंजीकरण 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। टीके के लिए ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर बुकिंग जाकर कराई जा सकती है। ये टीका सभी आय वर्गों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र में भी 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए 10 विशेष सेंटर बनाए गए हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय न्यू संत कॉलोनी लोधमा रोड धुरवा संत जोसेफ स्कूल लोआडी संत लोइस प्राथमिक स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरियातू जिला स्कूल मारवाड़ी कॉलेज गौरीदत्त मंडलिया स्कूल डीएवी स्कूल हेहल मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम एटीआई कैंपस मोराबादी और रोटरी क्लब रांची शामिल है। रांची के जिला स्कूल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना एक बार फिर पूरे देश में अपना पांव पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में 33,750 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना का वर्तमान में सक्रिय केसों की संख्या 1,45,582 पर है। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी कम है। वर्तमान में ये दर 0.42% है। कोरोना मरीजों की रिकवरी दर वर्तमान में 98.20% है। पिछले 24 घंटों में 10,846 मरीज ठीक होने से कुल रिकवरी दर बढ़कर 3,42,95,407 हो गई है। और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं। दैनिक सकारात्मकता दर यानी कि पॉजिटिविटी रेट 3.84% हो गई है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.68% हो गई है। देशभर में कुल 68.09 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। राज्यभर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,057 नए संक्रमितों की पहचान की गई। इनमें रांची में 413 जमशेदपुर में 179 धनबाद में 110 बोकारो में 93 पश्चिमी सिंहभूम में 84 कोडरमा में 42 हजारीबाग में 30 रामगढ़ में 24
और खूंटी में 17, गिरिडीह में 10, जामताड़ा में 7, सिमडेगा में 6, गोड्डा में 5 तथा लातेहार, लोहरदगा और पलामू में 1-1 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इधर बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव को राज्य में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया है। रांची स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के 5 सीनियर डॉक्टर और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के 40 छात्र तथा बीएससी नर्सिंग के 12 छात्राएं कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इसके अलावा एडीजी मुख्यालय मुरारीलाल मीणा, आईजी अभियान एवी होमकर, आईजी पंकज कंपोज, जमशेदपुर एसएसपी एम तमिलवानन और चक्रधरपुर रेल मंडल के विजय कुमार साहू के अलावा कई बड़े अधिकारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,45,68,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कुल 145,73,00,000 टीकों की खुराक दी जा चुकी है। इनमें 84,79,16,000 से ज्यादा लोगों को पहली खुराक दी गई है, जबकि 60,94,18,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक भी दे दी गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से अधिक है। खासकर राजधानी रांची की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई सुझाव आपदा प्रबंधन विभाग को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होने वाली प्राधिकार की बैठक में इस संबंध में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि सरकार सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है और सभी के हित में उचित फैसला लिया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में आज से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई होगी। यह व्यवस्था 14 जनवरी तक लागू रहेगी। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद शाकिर के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार तथा हाईकोर्ट की ओर से समय समय पर जारी होने वाले कोविड-19 प्रोटोकॉल का प्रत्येक स्तर पर सख्ती से अनुपालन किया जाए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने खूंटी लोकसभा क्षेत्र के गम्हरिया प्रखंड के चंद्रपुर में स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों की जन समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्र समिति के सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है। पार्टी के 12वें अधिवेशन में प्रतिनिधियों ने शिव सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष और हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित करते हुए केंद्रीय समिति और विभिन्न पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी की समिति के विस्तार की जिम्मेवारी सौंपी थी। इसके बाद केंद्रीय समिति में 246 सदस्यों का चयन किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन रांची द्वारा स्टैटिक कैंप के अलावा पिकनिक स्पॉट्स पर भी कोविड-19 की जांच की जा रही है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देशानुसार विभिन्न पर्यटक स्थलों पर कोविड-19 जांच के लिए कैंप लगाया गया, जहां अनुमंडल पदाधिकारी सदर दीपक दुबे के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने पर्यटकों का सैंपल लेकर उनकी जांच की। साइबर अपराधियों ने इन दिनों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के बहाने नई लूट शुरू की है। बताया गया कि लोन के तहत 50,000 रूपये से लेकर 5,00,000 रूपये तक का लोन बिना गारंटी के मात्र 24 घंटे में दिए जाने का झांसा दिया जा रहा है। हजारीबाग पुलिस ने ऐसे विज्ञापनों से बचने की अपील की है। गढ़वा पुलिस ने रमकंडा और बिशनपुरा थाना क्षेत्र में विभिन्न चोरी और लूटकांड की घटना को अंजाम देने के आरोप में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप समेत अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। देवघर स्थित बाबा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के सुगम जलार्पण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं, जिसके तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र दर्शनम कूपन की व्यवस्था भी शामिल है। गोड्डा जिले में जमीन विवाद में बेटे ने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने प्रेसवार्ता कर दी।
कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज से दो सप्ताह के लिए सिर्फ वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करने का निर्णय लिया है। वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होने से कोविड संक्रमण की दर पर नियंत्रण किया जा सकता है। राजधानी रांची समेत राज्य के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से कम हो गया है। राजधानी का सामान्य अधिकतम तापमान, आपको बता दें, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास सामान्य तापमान है और ये सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस कम है। राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों में आज सवेरे कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 7 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए वैसे तो कई लोग इस कार्य से जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने देश विदेश की मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी छोड़कर अब फार्मिंग सेक्टर का चयन किया है। एक रिपोर्ट। रांची के रहने वाले उमेर अशरफ और राजीव सिन्हा ने एमबीए की डिग्री हासिल करके देश और विदेश की कई बड़ी कंपनियों में नौकरी करने के बाद पशुपालन और कृषि कार्य को चुना। उमेर अशरफ बताते हैं कि नौकरी के दिन से ही वे दोनों फार्मिंग सेक्टर से जुड़ना चाहते थे। आज वे बकरी पालन और खेती एक साथ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में डेयरी फार्म का आइडिया था पहले से कि डेयरी फार्म शुरू करेंगे और फार्म उसको मतलब दूध या उससे बाई प्रोडक्ट जो भी होगा वो मार्केट में सप्लाई करेंगे। कई वर्षों तक विदेश में अच्छी नौकरी कर चुके राजीव सिन्हा खेती किसानी से जुड़कर अब काफी संतुष्ट दिखते हैं। उनका कहना है कि खेती की पारंपरिक तरीकों के साथ तकनीक का इस्तेमाल करके वो कुछ नया करना चाहते हैं। मैनेजमेंट करने के बाद भी हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे किसान लोग तो ट्रेडिशनल काम करता है। हम इसमें ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ टेक्निकल भी लाएंगे और अपना जो एमबीए का थॉट है उसमें प्रोसेस में डालेंगे तो शायद और हम इसका मतलब आगे बढ़ सकते हैं। राजीव सिन्हा और उमेर अशरफ ने एक साथ मिलकर कृषि और पशुपालन से जुड़कर खुद का स्वरोजगार शुरू किया है। इनके इस कदम से स्थानीय लोगों के बीच रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। श्रवण पाहन को इस बात की ज्यादा खुशी है कि उन्हें अपने गांव घर के पास ही नौकरी मिल गई है। जाते थे हम लोग बाहर रांची तरफ तो उधर भी अच्छा काम होता था, लेकिन हम लोग आना जाना में दिक्कत होता था। कोरोना में के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। राजीव सिन्हा और उमेर अशरफ जैसे लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने की जगह जमीन से जुड़कर कृषि और पशुपालन को बेहतर मानते हैं। इनका मानना है कि इस तरह से वे खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ ही दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम सेंचुरियन टेस्ट जीतकर 1-0 से आगे है। खेला जाएगा श्रृंखला में भारत अभी 1-0 से आगे है। टीम इंडिया की नजर अब दक्षिण अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने पर लगी हुई है। दूसरे टेस्ट के दौरान सबकी नजरें भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली पर होंगी। इस मैदान पर कोहली का रिकॉर्ड बेहतरीन है। वहीं कोहली के पास टेस्ट क्रिकेट में इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाने का भी मौका है। फिलहाल ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के जॉन रीड के नाम है। वहीं पहले मैच में हार का सामना कर चुकी अफ्रीकी टीम कुछ जरूरी बदलाव के साथ मैदान में उतरेगी। टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उनके स्थान पर काइल वेरेन को टीम में मौका मिल सकता है, जिन्होंने अब तक सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर के किट यूनिवर्सिटी में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी योग चैंपियनशिप में पूरे भारत से 155 विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। इसमें रांची विश्वविद्यालय की लड़कियों की टीम को 7वां स्थान हासिल हुआ। इसके बाद टीम ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम में आकांक्षा कुमारी, पम्मी कुमारी, वंदना कुमारी, सरिता, नीलांजना, रिया सेन शामिल है। वहीं टीम में कोच रजनी बख्शी और मैनेजर प्रमोद कुमार भी शामिल थे। लोहरदगा की बेटी संजना कुमारी ने बहरीन में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है।
लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड की ओपा गांव की मूल निवासी संजना कुमारी ने एशियन पैरालंपिक कमेटी द्वारा आयोजित बहराइन एशियन यूथ पैरा गेम्स के 19 आयु वर्ग में देश के लिए बैडमिंटन एकल स्पर्धा में स्वर्ण तथा महिला डबल में स्वर्ण के साथ साथ मिश्रित मैच में सिल्वर मेडल जीतकर अपने गृहनगर के साथ साथ देश और राज्य का मान बढ़ाया है। 3 साल से मैं बैडमिंटन, जैसे तो बचपन से खेलने का मन था, तो 3 साल से अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ। संजना को बचपन से ही बैडमिंटन खेलने का शौक था, परंतु उसे स्कूल या और कहीं मौका नहीं मिल पाया, पर वह घर मोहल्ले पर हमेशा बैडमिंटन खेलती रही। रांची में बैडमिंटन सीखने के बाद संजना कुमारी ने लखनऊ के सीनियर कोच से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर वहां ट्रेनिंग लेना चालू किया, जिसके बाद उन्हें बहरीन में देश के लिए खेलने का मौका मिला। तो फिर वहां गए, लखनऊ में अपना ट्रायल दिया, तो वहां सिलेक्शन हुआ मेरा, तो उनके कारण मैं फिर बाद में गई। सेना की पारिवारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली संजना कुमारी के परिवार के सभी सदस्यों को अपनी लाडली पर गर्व है। आगे करते रहेगी, आप उम्मीद जाग गया है कि अभी आगे बढ़ेगी और पढ़ेगी, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हम लोग मना करते थे इसको कि ये संभव नहीं है, नहीं कर पाएगी, पर ये अपने हौसला पर बुलंद रही और आगे बढ़ी। बाबा ऊपर वाला माया तब फिर हो गया, चल गए। बहुत खुशी की बात है। करीब 10 साल से बैडमिंटन के पीछे थे हम लोग। जब इससे मिलने के लिए एक बार जोरहाट गए, तो हम इसके लिए स्पेशली बैडमिंटन खरीद के लेके गए थे कि ये बैडमिंटन खेलती है और खेलेगी। संजना ने साबित कर दिया कि अगर कुछ कर गुजरने का मादा या जज्बा हो तो कुछ भी काम असंभव नहीं है, चाहे वो जिंदगी में मुकाम हासिल करने की बात हो या फिर खेल का मैदान फतह करने की बात हो, हर जगह हौसला ही अहम होता है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। मौजूदा दौर में ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रचलन बढ़ा है। रांची के रहने वाले मनीष ने फेसबुक पर एक अभिनव शुरुआत करते हुए जनजातीय उद्यमी को ट्राइब कार्ट नाम से मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है, जो सोशल मीडिया पर अपनी धमक दिखा रहा है। ट्राइब कार्ट के इस फोरम से जुड़कर हजारों आदिवासियों को पहचान और प्रसिद्धि तो मिली ही, इस स्टार्टअप को भी संबल मिला है। कोरोना काल में ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रसार तेजी से हुआ है, जिससे हर तरह के उत्पादों को बड़ा बाजार मिला है तथा लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा मजबूत हुई है। रांची के रहने वाले मनीष ने फेसबुक पर जनजातीय उद्यमियों को ट्राइब कार्ट नाम से मार्केटिंग का मंच प्रदान किया है, जिससे 60,000 से भी अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आइडिया आया, क्यों ना एक ट्राइब कार्ट प्लेटफॉर्म बनाया जाए और सारे जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो खेती करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो उन सबको एक छोटे से प्लेटफॉर्म के में जोड़ा जाए, ताकि मतलब कि किसी को भी रोजगार के लिए बाहर पलायन ना करना पड़े। सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले इस ट्राइब कार्ट की शुरुआत मई 2020 में हुई थी। ट्राइब कार्ट ने मात्र 1.5 साल में देश के आदिवासी उद्यमियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इस पहल का सबसे सुखद पहलू यह है कि इसने आदिवासी समाज को नई दिशा दिखाई है, और वो भी सीमित संसाधनों के बावजूद व्यापार में बड़ा नाम तथा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जिनके पास भी थोड़ी बहुत स्किल थी, जैसे जो वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं, तो वो लोग कुछ भी, जैसे किसी को केक बनाना आता है, किसी को सिलाई कढ़ाई का काम आता है, किसी को बैग्स बनाना आता है, तो वो सारे लोग सामने आए, उनकी जो छिपी हुई प्रतिभाएं थी वो सारी प्रतिभाएं सामने आई और वो एक बिजनेस का रूप लेने लगी। ट्राइब कार्ड को लोकप्रिय बनाने तथा इसके संचालन में मनीष को उनकी धर्मपत्नी रितु तांबा का भी पूरा सहयोग तथा साथ मिला। रितु तांबा ने इस बाबत मनीष को कई सुझाव दिए, जो ट्राइब कार्ड को इसके उपयोगकर्ताओं के ज्यादा नजदीक ला सका। जब कुछ भी इनोवेटिव होता है तो पहले फैमिली जो होती है सबसे बड़ा बेस होता है स्ट्रांग सपोर्ट करने के लिए, तो मनीष जी को मैंने बहुत ही मोरली सपोर्ट किया है। कभी कभी मुझे भी लगता था कि नहीं, अब तो इतना लोग कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डाउन होता था हमारा भी मोरल, लेकिन फिर हम सोचे नहीं, समाज के लिए जो हम इतना बड़ा स्टेप लिए हैं तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम पीछे हटेंगे नहीं। कोरोना काल में जब दुनिया भर में मंदी छाई थी, उस समय भी इस अभिनव शुरुआत से युवा आदिवासी उद्यमियों का व्यापार तेजी से तरक्की कर रहा था। इतना ही नहीं, ट्राइब कार्ट ने उच्च शिक्षा प्राप्त और तकनीकी रूप से दक्ष अनेक युवाओं के वास्ते स्वावलंबन के दरवाजे भी खोले। नहीं सोच पाए थे कि ना कुछ रिटर्न्स आएगा, प्रॉफिट आएगा। मैं जब मैं खोला ग्राउंड लेवल, मुझे समझ में आया कि इसमें भी क्या बेनिफिट है। इस मंच से जुड़े उद्यमी जो कभी खुद नौकरी करने वाले युवा हुआ करते थे, वो आज नौकरी देने वाले बन रहे हैं। कहे कि मैं ऐसे ही बैठे रहता था, अभी यहाँ पे वाटर प्लांट है और
मैं यहाँ पे अभी करियरत हूँ। महिलाओं को प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्राइब कार्ट ने आदिवासियों को भी व्यापार और स्टार्टअप के क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया है, जो उद्यमशीलता से आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करता है। दिल में अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है, और इस चीज को मनीष और उनकी धर्मपत्नी ने साबित कर दिखाया। एक छोटे से मोबाइल और इस कमरे के जरिए इन्होंने लॉकडाउन का जो पीरियड था उस दौरान एक ट्राइब कार्ट नाम का प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके जरिए आज करीब आदिवासी समाज के 60,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उनके हाथ और हुनर को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिसके जरिए इस समाज में आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिखी जा रही है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानिए कौन थी सावित्री बाई फूले, साथ ही जानिए वीरा पंडिया कट्टा बोमन के बारे में। आज के एपिसोड में हम स्मरण कर रहे हैं आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले को। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के छोटे से गांव नाई गांव में हुआ था। वे जीवन भर भारत में महिलाओं के अधिकारों की मशाल प्रज्वलित करने में अग्रणी रहे। उन्हें प्रायः भारतीय महिलावाद की जननी कहा जाता है। बाल अवस्था में ही सावित्री बाई में गजब की जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा थी। 9 वर्ष की उम्र में ही 1840 में उनका विवाह ज्योतिराव फूले से कर दिया गया। सावित्रीबाई के सीखने के उत्साह से प्रभावित होकर ज्योतिराव ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने शिक्षक का प्रशिक्षण लिया। वे 1847 में प्रशिक्षित शिक्षिका बन गईं। देश में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध ज्योतिराव के साथ सावित्रीबाई ने 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला। वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। देश में विधवाओं की दुर्दशा से सहानुभूति रखते हुए सावित्रीबाई ने 1864 में बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय स्थल भी बनाया। सावित्रीबाई ने सत्य शोधक समाज को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 में सावित्रीबाई ने सत्य शोधक विवाह कराने आरंभ किए, जहां विवाह करने वाले जोड़े शिक्षा और समानता की शपथ लेते थे। 1890 में ज्योतिराव फूले का निधन हो गया। सभी सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए सावित्रीबाई ने उनकी चिता को अग्नि दी। उन्होंने ज्योतिराव की विरासत को आगे बढ़ाया और सत्य शोधक समाज की भी जिम्मेदारी संभाली। जब 1890 के दशक में महाराष्ट्र में खतरनाक प्लेग फैला तो सावित्रीबाई ने पुणे में प्लेग पीड़ितों के लिए क्लिनिक खोला। 10 वर्ष के प्लेग रोगी को स्वयं क्लिनिक ले जाते समय सावित्रीबाई को भी प्लेग ने जकड़ लिया। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फूले का निधन हो गया। सावित्रीबाई का जीवन और कार्य समाज सुधार और भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रमाण हैं। वे आज के दौर में भी अनेक महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। महान भारतीय समाज सुधारक को शत शत नमन। हम स्वाधीनता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोमन को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में हुआ था। वीरा पांड्या के पिता जगवीरा कट्टा बोमन पलिया करार यानी गवर्नर थे, जिनकी नियुक्ति नायका साम्राज्य ने की थी। जब वीरा पांड्या 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने 47वें पलिया करार का पद संभाला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी पलिया करारों से कर एकत्र करने के अधिकार आरकोट क्षेत्र के नवाब से प्राप्त कर लिए। वीरा पांड्या को छोड़कर अन्य सभी पलाय करार कंपनी का आदेश मानने लगे। फलस्वरूप
ब्रिटिश सेना ने 1799 में वीरा पांड्या पर हमला कर दिया। वीरा पांड्या को अपने खबरी के जरिए हमले की खबर मिल गई और वे पहले ही इसके लिए तैयार थे। वीरा पांड्या को बिना शर्त समर्पण के लिए कहा गया तो वे दहाड़ उठे। हम इस माटी के सपूत हैं, हम प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान से जीते हैं, हम अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए प्राण न्योछावर कर देंगे, हम विदेशियों के आगे नहीं झुकेंगे, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वीरा पांड्या और उनके साथियों ने बहादुरी से ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया। बाद में नजदीकी पुदुकोट्टई के राजा की सहायता से अंग्रेजों ने 1799 में वीरा पांड्या को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सबके सामने फांसी की सजा सुनाई गई। वीरा पांड्या कट्टा बोमन 16 अक्टूबर 1799 को शहीद हुए। इस महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। खबरें झारखंड में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। देश भर में 15 से 18 वर्षीय किशोरों का कोविड रोधी टीकाकरण शुरू। ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा उपलब्ध, बच्चों को दी जा रही है कोवैक्सीन। राज्यभर में पिछले 24 घंटे में मिले 1057 नए संक्रमित, सिर्फ रांची में ही 413 मरीजों की पहचान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक। संक्रमण पर अंकुश को लेकर लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। और राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम, अगले 7 जनवरी तक ठंड से राहत की उम्मीद है। दुनिया में मील का पत्थर बनना सरल नहीं होता, इसके लिए अपना सर्वस्व त्याग कर बस अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र होना पड़ता है। इस संसार में रोजाना कई लोग जन्म लेते हैं और कई मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग अपने पूरे जीवन काल में छोटी छोटी बातों में ही फंसे रहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इसके आगे वो कभी सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जो लीक से हटकर काम करते हैं और पूरी दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं। अगर देखा जाए तो ये महान लोग कुछ ऐसे गुणों से ओतप्रोत होते हैं जो सामान्य लोगों में दुर्लभ ही पाए जाते हैं। महान व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने समाज में कुछ विशेष योगदान दिया हो, या यूं कहें जिन्होंने समाज और विश्व के उत्थान के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस विषय में उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अमिताभ बच्चन, मदर टेरेसा, बिस्मिल्ला खान, एपीजे अब्दुल कलाम आदि को हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जिन्होंने अपने कार्य से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको झारखंड के कुछ ऐसे ही अद्वितीय शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। झारखंड नदी, झरना, पहाड़, जंगल के लिए तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, साथ ही यहाँ के लोगों की प्रतिभा भी हमेशा दुनिया को अचंभित करती रहती है। यहाँ के कण कण में संगीत, सेवा और प्रतिभा कूट कूट कर
भरा गया है जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। ऐसे ही झारखंड के कुछ प्रतिभावान मशहूर शख्सियत में से एक हैं पद्मश्री मुकुंद नायक। पद्मश्री मुकुंद नायक देश